हेलो आप लोग, मैं अंकित कुमार सिंह आप लोगों को स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैमिली में। आज आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, प्रोग्रेस कर रहे होंगे। आज की वीडियो होने वाली थोड़ी सी अलग, क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप बड़ी से बड़ी फाइल 5 GB, 10 GB, 20 GB तक की फाइल को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं, यानी कि अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ बिहार में, और मुझे अपने दोस्तों को जयपुर के अंदर जो है कुछ फाइल्स भेजनी है, जो कि 5 GB की है, 10 GB की है। तो मैं उसको कैसे भेजूँगा? मेरे पास इतना डेटा नहीं है कि भाई मैं उसको कहीं अपलोड करूं, फिर उसका लिंक शेयर कर दूं, तो फिर मैं उसको कैसे करूंगा? तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि ये सब आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। बेसिकली ये पूरा का पूरा सिनेरियो काम करता है, वो पीयर टू पीयर पे काम करता है, यानी कि आपका एक फ़ोन जिससे आप भेजने वाले हैं वो एक सर्वर बन जाता है, और दूसरा फ़ोन जो रिसीव करने वाला होता है वो रिसीवर बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक सर्वर क्रिएट करते हैं जहाँ पर अपना हम फाइल जो है रख देते हैं, और उस सर्वर का लिंक जो है हम सामने वाले को दे देते हैं, जो कि रिसीवर है, जो कि हमारा दोस्त है, वो वहाँ से डाउनलोड कर लेता है। ये बहुत ही सिक्योर होता है, मतलब आपके और आपके दोस्त के बीच में एक कनेक्शन बनता है जिसके थ्रू वो डाउनलोड कर सकता है। तो चलिए मैं आपको ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ, क्योंकि एट द एंड आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है कि भाई ये सारा फंक्शनलिटी जो है ये काम कैसे करता है, हमको कैसे करना है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप पर, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा, फिर वहाँ से फ़ोन पे मूव करेंगे, मतलब सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ों को। सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल के अंदर toffeeshare.com इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, जिससे कि आप फाइल भेजने वाले हैं, यानी कि इस जो लैपटॉप है इससे मैं फाइल भेजने वाला हूँ। तो उसके अंदर सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेबसाइट का, तो आप आसानी से वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं बड़ा ही सिंपल क्लीन इंटरफेस है इसका, कोने में क्यूट सा जो है टॉफी रखा हुआ है, इसको आप खा नहीं सकते हैं, देख ही सकते हैं बस। यहाँ पर एक सर्कल है जो कि बड़ा ही प्यारा एनिमेटेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना किसी साइज लिमिट के जो है भेज सकते हैं अपनी फाइल को, 1 GB, 2 GB, 3 GB ऐसा कुछ लिमिट नहीं लगा हुआ है, जो भी आपके फाइल का साइज है वो भेज सकते हैं आप। यहाँ पे एक सर्कल है, इसके अंदर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो, या क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। ये पीयर टू पीयर पे काम करता है और इन टू इन इनक्रिप्टेड है, मतलब कि जैसे आपने व्हाट्सएप में देखा होगा कि जब भी आप कोई फाइल भेजते हैं तो बस सामने वाला कोई पता होता है, आप दोनों के बीच में होता है, तो सिंपल यहाँ पे भी वही चीज़ होने वाली है। तो यहाँ पे हम देरी नहीं करते हैं, बस फाइल अपलोड करते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और लैपटॉप के अंदर से एक बड़ा सा फाइल ले लेते हैं। यहाँ मैं एल सर्च करता हूँ, लोकी देख सकते हैं, ये लोकी वेब सीरीज है जो कि मैंने डाउनलोड करा था पहले, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, ये अपलोड हो रहा है, मतलब अपलोड नहीं हो रहा है, बेसिकली लिंक क्रिएट कर रहा है। तो ये देख सकते हैं ये लिंक क्रिएट हो चुका है, ये season 1 episode 5 है जो 1340.115 MB, हिंदी शुद्ध हिंदी हो गया, मतलब 1340.15 MB। यहाँ से आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि लिंक को कॉपी करने के बाद जो है, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं या लैपटॉप से कर रहे हैं, आपको वापस से इसी टैब में आ जाना है सामने वाले को डाउनलोड करने से पहले, और जब तक डाउनलोड ना हो जाए आपको इसी टैब में बने रहना है, नहीं तो जैसे अगर कुछ भी थोड़ा सा डिसकनेक्ट हुआ तो आपका डाउनलोडिंग बंद हो जाएगा, क्योंकि ये आपके लैपटॉप के इंटरनेट से कनेक्टेड होना ही चाहिए आपका इंटरनेट लैपटॉप। साथ ही साथ इस टैब को क्लोज नहीं होने देना है आपको, देख सकते हैं लीजिए लिखा हुआ है क्लोजिंग दिस टैब विल स्टॉप द ट्रांसफ़र। ठीक है, हम आपको अब करके दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। यहाँ से मैं व्हाट्सएप के अंदर आ जाता हूँ, अपने व्हाट्सएप के अंदर इस कचरा पेटी के थ्रू जो मैं अपना फाइल जो है अपने मोबाइल पे ले जाता हूँ, जहाँ से मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर, इसको हम वापस से अपने टैब में आ जाते हैं। हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ से मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं कचरा पेटी ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इस लिंक को जो है ओपन करता हूँ क्रोम के अंदर। देख सकते हैं कुछ ऐसा जो है ये ओपन हो चुका है, कनेक्टिंग हो रहा है सेंटर के साथ। अब देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, लोकी season 1 episode 5 देख सकते हैं आप स्क्रीन पर भी है। यहाँ से आपको सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना है, कनेक्ट होगा। लैपटॉप पे भी देख सकते हैं आप कनेक्ट हो चुका है, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल रहा है नाउ, मतलब आपको वाईफाई से डाउनलोड करना है या इसी से, मुझे अभी करना नहीं, बस आपको दिखाना है। जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया, देख सकते हैं यहाँ पे ये डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है, यहाँ पे 1.25 GB की है ये, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है। मुझे अभी इसको डाउनलोड करना नहीं है, तो मैं इसको हटा दूँगा,
अब ये आप लोगों को लग रहा होगा मे बी कि स्पीड थोड़ी सी स्लो है, तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है जो रिसीव कर रहा है उसकी इंटरनेट की स्पीड कैसी है, और मेरी जो है वो भी जो उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, नेटवर्क स्ट्रेंथ उसी के थ्रू ये सारा कुछ होता है खेल। तो यहाँ से डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन मेरे पास डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसको डिसकनेक्ट कर देता हूँ, मतलब कैंसिल कर देता हूँ डाउनलोड को। डाउनलोड कैंसिल हो चुका है, यहाँ से मैं इस कनेक्शन को भी कैंसिल कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ से हमारा कनेक्शन कैंसिल हो चुका है, और नीचे लिख के आ चुका है कि अलग पार्टी ने जो है डाउनलोडिंग कैंसिल कर दी है, क्या डाउनलोड नहीं कर रहे हैं वो। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप बड़ी फाइल्स को जो है एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं, अगर आपके पास सफिशियंट डेटा नहीं है तो। बेसिकली ये टोरेंट की तरह ही काम करता है, टोरेंट भी कुछ इसी प्रकार से पीयर टू पीयर पे काम करता है, तो इसको आप बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं और डेटा को यानी कि जो भी स्टोरेज है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें अपने यार दोस्त मित्रों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, ताकि सबको पता चल सके कि उनको कैसे बड़ी फाइल्स भेजनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।